नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर। इवन क्या आपकी गाड़ी 10, 15, 20,000 किलोमीटर चल जाती है तो उसके बाद गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। एक गाड़ी है इलेक्ट्रा और उसके अंदर हम दिखाएंगे कि क्या क्या पार्ट चेंज करने हैं। इवन क्या उसके अंदर सिर्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है और एक किक का प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करने वाले हैं और बड़ा मज़ा आएगा। आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, सीखने के लिए जो कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम में कैसे चेक करते हैं या फाइंड करते हैं कैसी कौन सी क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रा है और ये 2011 या 12 के आसपास का मॉडल है, पर इसके अंदर आज एक प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की। ये गाड़ी स्पार्क प्लग शॉर्ट कर दे रही है और हमने स्पार्क प्लग किट लेकर आए पूरी, और स्पार्क प्लग किट है आपकी 260 रुपए की स्पार्क प्लग किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पार्क प्लग खोल के करंट आ रहा है या स्पार्क प्लग शॉर्ट है या नहीं। तो हमने इसके टंकी के बोल्ट पहले से ही खोल रखे हैं, सिंपल टंकी बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और स्पार्क प्लग में सबसे पहले हमें करंट चेक करना है, तो करंट चेक कर लेते हैं करंट आ रहा है या नहीं, और आप भी फाइंड कर सकते हैं कि करंट आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा। और मैं आपको हमेशा एक राय देता हूँ कि कभी भी करंट चेक करना है तो हमारा ये इस साइड का स्पार्क प्लग खोल के ही चेक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट आ रहा है, यस। तो सबसे पहले स्पार्क प्लग दोनों नए डाल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो अभी हमने इस साइड का स्पार्क प्लग खोल दिया है और वो स्पार्क प्लग रहा ये, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो आगे का पॉइंट रहता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग रखा है, मतलब क्या ऑयल आ गया है जिसकी वजह से जो करंट होता है वो साइड को लीक कर जा रहा है। तो दूसरा वाला एक बार दिखाएंगे हम, ये रहा हमारा दूसरा वाला स्पार्क प्लग और इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो दोनों स्पार्क प्लग नए डालते हैं, उसका गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, दोनों स्पार्क प्लग ऐसे रहते हैं और इसका स्पार्क प्लग का जो गैप रहता है ना वो होता है 7 mm में होता है, और ये थोड़ा सा ठीक है पर थोड़ा सा आप बढ़ा दें। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है तो 2 आरी के ब्लेड, इसके गैप के अंदर आरी के ब्लेड जाने चाहिए 2, बस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फिट कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने दोनों स्पार्क प्लग लगा दिए हैं और आप ही के सामने चेक करते हैं कि क्या आप देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं सिर्फ स्पार्क प्लग डालने के बाद। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बस बंद कर दो। अब देखते हैं, एक जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने कहा कि यार हमारी किक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, किक मारो तो वापस इधर को आ जा रही है। तो हम लगे हाथ ये किक भी चेंज कर देते हैं। किक चेंज करने के लिए हमें ये वाला बोल्ट ढीला करना है, पूरा खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, किक निकालनी पड़ेगी, और किक रही है हमारी ये, और किक है कितने की, 875 रुपये की, ठीक है। तो इसको भी डालते हैं। अब क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम जैसे किक मार रहे थे और किक मारने के बाद किक ऊपर जाती है वापस खुल जा रही थी। अब हम देखते हैं नई किक लगाने के बाद क्या होता है, किक मारी और छोड़ी और ये वापस बिल्कुल पैक हो जानी चाहिए। तो किक आराम से छोड़ो, मारो छोड़ो, यस बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल किक काम आ गई है, 875 रुपये की भी है, काम क्यों नहीं करेगी, और गाड़ी बिल्कुल देख लो एक नंबर स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जब कभी भी आप अपनी गाड़ी में अलाइबल डालते होंगे उसमें कुछ परसेंट गाड़ियों के अंदर एक दिक्कत आती होगी, जब आप गाड़ी को अलाइबल डालते हैं तो उसका अगला व्हील जाम चलने लगता है या एक साउंड आता है, देखिए सुनिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पर देखिए ये कैलिपर के अंदर टच हो रहा है। अगर आपके साथ कभी अलाइबल डालते हैं या बिना अलाइबल डाले भी हो जाता है ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका सलूशन क्या है, हमें ये दोनों बोल्ट को खोलना है, उसके अंदर यहाँ पे वाशर डाल देनी है। वाशर किसी ऐसी 13 नंबर की वाशर होती हैं, उस वाशर को डाल दीजिए, एक बार हम डालते हैं देखते हैं। तो एक एक करके खोलना है, एक पहले खोल दिया, उसके अंदर ऐसे वाशर लगानी है और पहले इसको टाइट कर देना है। अब इसको भी पूरा टाइट नहीं करना है क्योंकि दूसरी वाशर नहीं लग पाएगी ना, अब लगेगी दूसरी वाशर, वो रही इन दोनों के बीच में, आप समझ रहे हैं ना कहाँ पर, ये कैलिपर, जैसे ये कैलिपर है और ये बॉडी है लैग,
इसके बीच में, जिससे कैलिपर थोड़ा अंदर को चला जाएगा। लग गया, अब इसको टाइट कर दो। ये हो गया टाइट। और अब हम देखते हैं कि आवाज करता है या नहीं करता है। देखिए आवाज हो गई गायब और टायर बिल्कुल फ्री हो गया है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और जब अलाइबल डालते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल है, क्योंकि अलाइबल का डिज़ाइन या बैरिंग ठोकते हैं ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।